नमस्कार, शाखा 9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुंबई में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन कराए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्रों की मांग है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच उन्हें ऑफलाइन एग्जाम के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान 10वीं और 12वीं के छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराई जानी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने समय पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा का ऐलान किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कई जगह छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। नागपुर में भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र नागपुर के क्रीड़ा चौक पर जमा हुए और पथराव कर बस के शीशे फोड़ दिए। इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है। भारी संख्या में छात्रों ने सोमवार को महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ के घर के पास भी प्रदर्शन किया। छात्रों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिससे भीड़ को तितर बितर किया गया। इधर इस मामले पर डीसीपी प्रणय अशोक ने बताया कि हमने उन्हें समझाने और तितर बितर करने की कोशिश की। वहीं अब इस भीड़ के एकत्रित होने के पीछे सोशल मीडिया पर चर्चित नाम हिंदुस्तानी भाव यानी विकास पाठक को बताया जा रहा है। छात्रों के आंदोलन पर मुंबई कांग्रेस प्रमुख भाई जगताप ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाव की एक पोस्ट वायरल हुई थी। साथ ही कुछ छात्रों का भी कहना है कि वो हिंदुस्तानी भाव के कहने पर इकट्ठे हुए हैं। वहीं मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ का कहना है कि हम छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। छात्रों से कहा गया है कि मेरे साथ चर्चा करें, मैं आगे फैसला करूंगी, लेकिन हमें स्कूली छात्रों की शिक्षा में 2 साल के नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में स्कूल खोलने पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद मुंबई समेत कई इलाकों में ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो गई है। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी तय समय पर ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि 10वीं के एग्जाम 25 फरवरी जबकि 12वीं के एग्जाम 14 फरवरी से शुरू होने हैं। इस खबर में बस इतना ही। आगे और जानकारी के लिए शाखा 9 न्यूज के वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।